देखिए बाल हर किसी के लिए मैटर करते हैं कोई अगर ये कहे कि बाल मेरे कैसे भी हों झड़े चाहे मैं गंजी हूं चाहे टकली हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हो सकता है बहुत यूनिक लोग होते हैं इस दुनिया में कुछ लोगों को फर्क ना पड़ता हो लेकिन मैक्सिमम लोगों को फर्क पड़ता है अगर आपके बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो रहे हैं या फिर हेयर थिनिंग की शिकायत शुरू हो गई है तो डेफिनेटली आपको टेंशन तो होती ही होगी और जब टेंशन होगी तो और ज्यादा हेयर लॉस होगा इसीलिए टेंशन मत लीजिए अपने बालों में आप रेमेडीज स्टार्ट कर दीजिए यूज़ करना आपके बाल रिस्टोर हो जाएंगे मतलब कि जो झड़ चुके हैं वो वापस से रिग्रो हो जाएंगे आज की वीडियो में एक ऐसा मैं ब्लैक हेयर सीरम शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है ये सारे हेयर फॉलिकल्स को हमेशा एक्टिवेट रखता है देखिए जब हमारे हेयर फॉलिकल्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं या फिर स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं तभी उनमें से बाल वापस से नहीं आते हमें हेयर हेयर की शिकायत शुरू हो जाती है। कई बार हमारे फॉलिकल्स में इन्फ्लेमेशन होने लगता है जिससे कि हमारे हेयर फॉलिकल्स श्रिंक कर जाते हैं पहले तो बाल एकदम पतले पतले आते हैं फिर उसके बाद वो कम्प्लीटली डेड हो जाता है हेयर फॉलिकल्स बाल ही नहीं आते आज की वीडियो में जो रेमेडीज मैं शेयर करने वाली हूँ हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करेगा ग्रोथ के लिए उसके साथ-साथ ये ब्लॉकर की तरह समस्या कॉज करता है ट्रिगर करता है तो अगर आप इन रेमेडीज को फॉलो करेंगे इसमें मैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन इंटरनल केयर दोनों चीजें शेयर करने वाली हूँ अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो आप अपने बालों को लंबे समय तक घना बना के रख सकते हैं क्योंकि हमेशा है है लाइक कर मेरे लिए बहुत कीमती है इसीलिए तो नमस्कार मैं हूँ गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुलडियो शेयर करती हूँ हेयर स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड अगर आप मेरी रेमेडीज को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको फर्क दिखेगा क्योंकि सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात नहीं करती मैं आप लोगों के साथ हेल्दी हेल्दी डाइट ड्रिंक वगैरह भी शेयर करती रहती हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगती है यूजफुल लगती है तो लाइक भी कर दीजिएगा अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं तो ये लीफ और ये लीफ देखने में सेम लग रही हैं लेकिन आपको पता है इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये कौन सी लीफ है और ये कौन सी लीफ है अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इस वीडियो में भी मैं आप लोगों के साथ एक्सटर्नल एप्लीकेशन और इंटरनल केयर दोनों ही चीजें शेयर करने वाली हूँ और सबसे पहले एक्सटर्नल एप्लीकेशन देन इंटरनल केयर में शेयर करूंगी सबसे पहले ओवरनाइट ब्लैक हेयर सीरम में शेयर करने वाली हूँ जिसे बनाने के लिए आपको लेना है कलाउंजी सीड इसे ब्लैक सीड भी बोलते हैं आपको चार चम्मच के बराबर कलाउंजी सीड लेना है कलौंजी सीड आपके बालों को रिज्रो करने में कमाल की होती है इसके अंदर लिनो एसिड होता है जो हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से नरिश करता है हेयर फॉलिकल को नरिश करता है बालों से डैंड्रफ को भी खत्म करता है उसके साथ साथ ये डी ब्लॉकर की तरफ ही काम करता है जो हमारे हेयर फॉलिकल में डी इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता हमारे बाल जल्दी थिन नहीं होते नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है रोज़मेरी हर्ब जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है आपके बालों को रिग्रो करने के लिए लेकिन अगर आप इसे कलौजी सीड के साथ यूज़ करते हैं तो और ज़्यादा पावरफुल रेमेडी हमारा बन के तैयार होता है अब जो नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट है ये है हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर गुड़हल का जो फूल होता है उसका पाउडर है ये देखिए हिबिस्कस के अंदर बहुत सारे एसेंशल अमीनो एसिड्स प्रोटीन बहुत सारे एंटी विटामिन सी वाइटामिन ई मतलब बहुत सारे एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स होते हैं और बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती हैं अब इसमें मैंने गुलाब जल डाला हुआ है आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आधा गुलाब जल आधा पानी डालिए अगर आप चाहते हैं कि आपको इसे बार बार ना बनाना पड़े तो इसे सिर्फ गुलाब जल में ही बनाइएगा गुलाब जल जो आप मार्केट से खरीद के लाते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव होता है तो ये जो हमारा हेयर सीरम है ख़राब नहीं होगा अब इसे ढक दीजिए पूरी रात भर के लिए छोड़ दीजिए नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे कि ये जो सारे इन्ग्रीडियंट हैं ना बहुत अच्छे से फूल चुके हैं तो अब हमें बनाना है इनका हेयर सीरम देखिए इसमें बहुत इन्ग्रीडियंट का यूज़ भी मैंने नहीं किया सिर्फ तीन इन्ग्रीडियंट यूज़ हुए हैं ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है तो अब इसे अच्छे से ग्राइंड करके बहुत ही अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेना है जैसे कि आप देख सकते हैं इसका बहुत ही अच्छा सा पेस्ट अभी बन के तैयार हो गया है तो अब हमें इसे मस्रीन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन कर लेना है ये जो हेयर सीरम बन के तैयार होने वाला है इसे फ्रिज में स्टोर करके आप पूरे एक महीने तक रख सकते हैं सिर्फ गुलाब जल में आपने इसे बनाया है तो फ्रिज में स्टोर करिए एक डेढ़ महीने तक आराम से ये चल जाएगा ख़राब नहीं होगा लेकिन अगर आपने इसमें पानी भी मिलाया है आधा पानी आधा गुलाब जल मिलाया है तो ये एक महीने नहीं पंद्रह बीस दिन आराम से चल जाएगा अभी देखिए मैंने इसको अच्छे से स्ट्रेन भी कर लिया है मसलिन क्लॉथ की हेल्प से तो अब मैं क्या करूँगी इसे ड्रॉपर वाले बॉटल में या फिर स्प्रे वाले बॉटल में आप भर के रख सकते हैं जिससे कि एप्लीकेशन इजी हो ऐसे बॉटल में आप इसे भर के रखिए डेली यूज़ करिए इसे लगाने के बाद आपको हेयर वॉश भी नहीं करना है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे बालों में ये चिपक जाता है इसमें ऐसा क्या है जो चिपकेगा बताइए ऐसा कुछ भी नहीं है जब भी मैं इसे अपने बालों में लगाती हूँ मुझे नहीं लगता कि मेरे बालों में कुछ चिपक रहा है लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके बालों में कुछ चिपक रहा है तो आप ऐसा करिए कि दो दिन इसे लगाइए फिर तीसरे दिन आप अपना हेयर वॉश कर लीजिए सिर्फ नॉर्मल वाटर से शैम्पू करने की भी जरूरत नहीं है लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ शैम्पू करने की ज़रूरत पड़ रही है तो जो रीठा का पानी होता है उससे अपना हेयर वॉश करिए तो आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे हालांकि मेरे बालों में कभी ये समस्या हुई ही नहीं ये बिल्कुल भी पानी जैसा होता है जो हमारे बालों में कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ता अब इस हेयर सीरम को लगाने से पहले अगर आप डरमा रोलिंग कर लेते हैं पूरे स्कैल्प में तो ये हेयर सीरम और अच्छे से काम करेगा सिर्फ अपने बालों में आप डरमा रोलिंग करते हैं तो भी आपके हेयर फॉलिकल्स एक्टिवेट होते हैं स्टिमुलेट होते हैं न्यू हेयर ग्रोथ के लिए आफ्टर डर्मा रोलिंग जब आप ये हेयर सीरम लगाते हैं तो ये हेयर सिरम आपके हेयर फॉलिकल्स में अच्छे से पेनिट्रेट करके आपके हेयर फॉलिकल्स को रिजुविनेट करता है नरिश करता है एक्टिवेट करता है स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए तो इसलिए सबसे पहले डर्मा रोलिंग कर लीजिए उसके बाद इसको पूरे स्कैल्प में लगाइए बालों के लेंथ में इसका कोई काम नहीं है स्कैल्प में भी थोड़ा थोड़ा ही लगाना है बहुत सारे लोग जो लोग बोलते हैं ना कि ये हमारे बालों में चिपक जाता है मुझे लगता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे अपने बालों में यूज़ कर लेते होंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको लगाना है और इसे छोड़ देना है वॉश नहीं करना बहुत ज़्यादा मात्रा में लगा के पूरा स्कैल्प गीला कर लिया आपने तो ज़रूर आपको हेयर वॉश करना पड़ेगा इसीलिए बहुत थोड़ा थोड़ा लगाना है थोड़े में ही ये बहुत अच्छे से काम करता है अब जो नेक्स्ट रेमेडी है वो एक बहुत ही अच्छा सा नेचुरल क्लिनजर है तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको लेना है मुल्तानी मिट्टी मुल्तानी मिट्टी हमारे बालों के लिए कमाल की होती है हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से क्लीन करती है हमारे स्कैल्प को एक्सफोलिएट करती है बालों को बहुत सारे फ़ायदे देती है अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें आपको यूज़ करना है ये है जटा मानसी जटा मानसी एक ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब है हमारे बालों के ग्रोथ फेज को इंक्रीज़ कर देती है हमारे बाल लंबे समय तक सिर्फ ग्रो कर रहे होते हैं जल्दी हेयर लॉस भी नहीं होता हेयर थिनिंग भी नहीं होती ये हमारे बालों का जो साइज होता है उसको भी इंक्रीज कर दी है जिससे कि हमारे बाल मोटे मोटे आते हैं तो अगर आप जटा मानसी का यूज़ करते हैं आपको हेयर थिनिंग की शिकायत नहीं होगी आपको दो तीन चम्मच के बराबर ये जो जटा मानसी का पाउडर है वो यूज़ कर लेना है जटा मानसी नहीं है तो इसकी जगह भृंगराज का पाउडर या फिर गुड़हल की पत्तियों का पाउडर आपको यूज़ कर लेना है नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है आमला पाउडर चार चम्मच के बराबर मैंने आंवला पाउडर भी लिया है आंवला हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है उसके साथ साथ ये हमारे बालों को रिग्रो भी करता है ग्रो भी करता है स्कैल्प को भी हेल्दी एंड क्लीन बनाता है कोई भी एक्यूमलेसन या फिर डैंड्रफ नहीं होता अगर आप रेगुलर बेसिस पे इन सारी चीज़ों का यूज़ करते रहते हैं तो अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ऐड करनी है सिर्फ आधा या फिर एक चम्मच के बराबर वो है कस्तूरी हल्दी या फिर अगर आपके पास इस तरीके की हल्दी नहीं है अंबा हल्दी यूज़ कर लीजिए अम्बा हल्दी भी नहीं है तो मसाले वाली हल्दी सिर्फ आपको थोड़ा सा यूज़ करना है वन फोर्थ टी के बराबर देखिए जो हल्दी होती है इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल एंटी प्रॉपर्टी पाई जाती है हीलिंग प्रॉपर्टी होती है इस कैप से डेंडर को भी ख़त्म करती है हमारे बालों को झड़ने से भी रोकती है उसके साथ साथ ये डीएसटी ब्लॉकर की तरफ भी काम करती है तो ये हमारे बालों को थिन बिल्कुल भी नहीं होने देगी हल्दी तो हर किसी के किचन में ईजिली अवेलेबल होती है तो आप अपने बालों में भी इसे यूज़ किया करिए स्किन पे यूज़ करने के साथ साथ अभी इसका पेस्ट बना लेना है नॉर्मल वाटर की हेल्प से उसके बाद इसे ओवरनाइट हमें भिगो के छोड़ देना है आयरन के बर्तन में जब भी आप कोई भी हेयर मास्क बनाते हो ना वो जो हेयर मास्क है उसके अंदर बहुत सारा आयरन आ जाता है वो आयरन फोर्टिफाइड हो जाता है फिर जब आप इस हेयर मास्क को अपने बालों में लगाते हैं तो आपके हेयर फॉलिकल को एक्स्ट्रा आयरन भी मिल जाता है उसके साथ साथ इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी आ जाती है तो इसे अच्छे से पूरे स्कैल्प में पूरे बालों की लेंथ में लगाइए अगर आपने ऑयलिंग करी हुई है तो भी आपके बालों को क्लीन कर देगा क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जो होती है वो एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेती है तो इसको दो घंटे लगा के छोड़िए आपके बाल क्लीन हो जाएंगे हाँ ये कोई शैम्पू नहीं है इसमें रीठा पाउडर भी ऐड नहीं है तो बहुत हैवी हेयर है ऑयलिंग आपने की है तो उसको क्लीन नहीं कर सकता ये तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों को बहुत अच्छे से क्लीन कर दे ऑयल वगैरह सब हटा दें आपके बालों से तो थोड़ा सा रीठा और शिकाकाई का पाउडर भी इसमें ऐड कर लीजिएगा अभी देखिए मैं आप लोगों के साथ जो खाने पीने की चीज़ें शेयर करने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए वीडियो को भी इसके बिल्कुल भी मत करिएगा आपको क्या करना है चार पांच अगर सिर्फ एक लोगों के लिए आप बना रहे हैं ये जो ड्रिंक है ये ड्रिंक है बेसिकली जो मैं शेयर कर रही हूँ तो अगर आप सिर्फ एक लोगों के लिए बना रहे हैं तो चार पाँच आप वॉलट यानी अखरोट ले लीजिए अगर ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो क्वान्टिटी बढ़ा लीजिए उसी हिसाब से देखिए अखरोट हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसके अंदर वो सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट मौजूद हैं जो हमारे बालों को मजबूत भी बनाते हैं बालों को रिग्रो करने में भी हेल्प करते हैं उसके साथ साथ हमारे बालों को काला भी बनाते हैं उसके बाद इसमें मैंने डाला बादाम आलमंड आलमंड के अंदर बहुत सारा वाइटामिन ई बायोटिन प्रोटीन आयरन पाया जाता है बहुत सारे इसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करते हैं स्टिमुलेट करते हैं न्यू हेयर ग्रोथ के लिए इसीलिए देखिए हर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हेल्दी डाइट भी शेयर करती हूँ अलॉन्ग विद एक्सटर्नल एप्लीकेशन तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से काम नहीं चलता मैं आप लोगों के साथ पूरा जेनुइन हो के सारी चीज़ें शेयर करती हूँ जो खुद मैं भी फॉलो करती हूँ मैं सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे ध्यान नहीं देती अपनी डाइट का भी विशेष ध्यान रखती हूँ तो प्लीज़ वीडियो पसंद आती है ना तो लाइक करना मत भूला करो आप लोग अब इसमें मैंने कैशियम नट यानी काजू भी डाला काजू के अंदर भी प्रोटीन बायोटीन आयरन भरपूर मात्रा में होता बहुत है बहुत सारे मिनरल जैसे कैल्शियम जिंक मैग्नीज मैग्नीशियम भी पाए जाते हैं तो कैशियमट भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है बालों को रिग्रो और ग्रो करने में मजबूत बनाने में अभी क्या करना है कि इन्हें भिगो देना है पानी में पूरी रात भर के लिए नेक्स्ट मॉर्निंग जो बादाम का छिलका है उसे छील के फेंक देना है क्योंकि जो आलमंड का छिलका होता है इसके अंदर एंटी न्यूट्रेंट होता है तो इसको मैं छील लेती हूँ अभी इसमें एक बहुत ही सीजनल फ्रूट कोई भी आपको डाल देना है ठीक है तो अभी देखिए सबसे पहले तो इन सारी चीज़ों को स्ट्रेन कर लेना है ये जो पानी आप देख रहे हो इसे फेंक देना है इसको यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि इस पानी में बहुत सारे एंटी न्यूट्रेंट हैं जो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे इसीलिए इस पानी को थ्रो कर देना है अब देखिए इन सारी चीज़ों को मैंने ले लिया है अब इसमें कोई भी सीजनल फ्रूट आप डाल दीजिए अभी मैंगो का सीजन है तो मैं मैंगो ले रही हूँ लेकिन आ, अगर मैंगो का सीजन नहीं है तो आप इसमें अच्छे से पका हुआ बनाना डाल सकते हैं अच्छे से पका हुआ बनाना और अच्छे से पका हुआ मैंगो को आप अनाज के साथ या फिर ड्राई फ्रूट के साथ कंबाइन कर सकते हैं बाकी कोई साइट्रस फ्रूट है तो उसको कंबाइन नहीं कर सकते तो अभी देखिए इसको मैंगो को मैं अच्छे से छील लूँगी उसके बाद आपको क्या करना है इन सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छा सा ड्रिंक बना लेना है हालांकि आप इस यहाँ पे दूध की मदद से भी बहुत सारे लोग मैंगो शेक जब बनाते हैं तो उसमें मिल्क भी डालते हैं लेकिन मैं यहाँ पे मिल्क नहीं डाल रही हूँ मैं यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल वाटर डालूंगी इस ड्रिंक को बनाने के लिए अभी देखिए इसमें आप खजूर डाल सकते हैं थोड़ा सा टेस्ट को और स्वीट करने के लिए ये बहुत सारे लोग शुगर भी यूज़ करते हैं लेकिन मैं शुगर यूज़ नहीं करती हूँ मैं बेसिकली कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ अगर मुझे लगता है तो मैं खजूर यूज़ कर लेती हूँ थोड़ा सा अभी इसमें पानी डालिए बहुत ही अच्छी सी इसकी स्मूदी बन तैयार हो जाएगी जिसे बिना स्ट्रेन के आपको कंज्यूम करना है क्योंकि इसकी स्मूदी में बहुत सारा फाइबर भी है जो हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है इसीलिए इसको आपको बिल्कुल भी छानना नहीं है पूरा जैसे है उसी तरीके से कंज्यूम करना है तो ये जो ड्रिंक है इसे डेली मत पीजिए लेकिन हफ्ते में चार दिन जरूर पीजिए और जो हमारा हेयर सीरम है उसे डेली आपको थोड़ा थोड़ा बस अपने स्केल्प में लगाना है याद रखिएगा बहुत थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा लगा लेंगे तो जरूर थोड़ा मोड़ा चिपचिपा हो सकता है और जो मुल्तानी मिट्टी का हेयर मास्क मैंने शेयर किया उसे आप हफ्ते में एक बार जरूर यूज़ करिए गर्मी के दिन में स्पेशली बहुत अच्छा है क्योंकि आपके स्कैल को ठंडक भी पहुंचाएगा एक्सफोलिएट भी करेगा आपके हेयर फॉलिकल्स को ब्रीदेबल बनाएगा मतलब क्लॉक्ड हेयर फॉलिकल्स को अनक्लॉग करेगा आपके हेयर फॉलिकल बहुत अच्छे से ब्रीद कर पाएंगे आपके बाल लंबे घने मजबूत होंगे इन सारी चीज़ों को फॉलो करिए एक्सटर्नल एप्लीकेशन इंटरनल केयर दोनों चीज़ों को फिर देखिए आपके बाल रिग्रो भी करेंगे ग्रो भी करेंगे काले भी होंगे हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करती है अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखेगा ये थी मेरी आज की वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी इस तरीके की और बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन को प्रेस करिएगा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार